तो ये है माइनक्राफ्ट के मोस्ट पॉपुलर हॉरर मिथ, जिनको आज हम ट्राई करके बताने वाले हैं कि ये सच है या झूठ, जिससे क्या हम माइनक्राफ्ट में हीरो ब्रैंक को समन कर सकते हैं, और एक ऐसा रिचुअल जिसकी मदद से हम माइनक्राफ्ट के अंदर एक ब्लडी एंटिटी को समन कर सकते हैं, और ब्लड गोरम के पीछे एक ऐसा राज जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता। और वीडियो के एंड में जाते जाते हम नल और होगा लाला की मिथ भी सॉल्व करने वाले हैं, तो आज की वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मिथ हमारे हीरो ब्रैंक के बारे में। तो हीरो ब्रैंक के बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम हीरो ब्रैंक को माइनक्राफ्ट में समन कर सकते हैं, और वो भी सीड 666 में। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो फटाफट वर्ल्ड का नाम मैं देने वाला हूँ हीरो ब्रैंड, और सीड हमें डालने हैं 666। चलो वर्ल्ड को फटाफट क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, मैं वर्ल्ड के अंदर आ गया और मैंने सारा सामान ले लिया रिचुअल करने के लिए, और वैसे 666 सीड है। तो चलो ट्राई करते हैं। पहले मुझे गोल्ड ब्लॉक कुछ इस टाइप से लगाना है आई गेस, और डायमंड ब्लॉक को कुछ इस टाइप से लगाना है मुझे आई गेस, और बीच में जाएंगे रेड स्टोन कुछ इस टाइप से, फिर डायमंड ब्लॉक, अब बीच में हमारा जाएगा बीकन, और इसमें से रेज निकलेगी यस। आई गेस ये काम करना स्टार्ट कर देगा अगर लाइटनिंग गिरेगी। यस ये काम कर रहा है, ये रिचुअल काम कर रहा है, तो चलो बढ़िया है। वो कितनी सारी लाइटनिंग गिर रही है, अब बस खत्म हो जा भाई। चलो नाइस। ओ वेट, रात भी हो गई। नो चलो मैं अपना रिचुअल पूरा, वेट मुझे पैरों की आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्यों, कोई मुझे देख रहा है क्या, कोई है क्या मेरे आसपास, आई डोंट नो। पहले मैं अपनी रिचुअल पूरी कर देता हूँ। चलो कंप्लीट होने वाली है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। ऑल राइट, हमारी रिचुअल फाइनली कंप्लीट हो गई। अब हीरो ब्रैंड को वर्ल्ड में आ जाना चाहिए वैसे तो, बट मेरे ऊपर लाइटनिंग क्यों गिर रही है, एक सेकेंड, क्या मैं इसके पास जा रहा हूँ तो लाइटनिंग गिर रही है, इसके पास जाने से लाइटनिंग गिर रही है, वट। लेकिन मुझे हीरो ब्रैंड अभी तक कहीं नहीं दिखा। आई गेस ये मिथ फेक है यार, ये रिचुअल पता नहीं काम नहीं किया, आई गेस यही बात है, आई डोंट नो। वेट, ब्लॉक टूटने की आवाज आ रही है, वेट व्हाट, ये ब्लॉक कौन तोड़ रहा है, एक सेकेंड, मेरे सारे ब्लॉक्स कौन तोड़ रहा है, व्हाट, एक मिनट कुछ तो दिख रहा है मेरे को आसपास। नो वेट, ये मेरे सारा भाई रिचुअल वाली सामान तोड़ दे किसने, वेट आई विल बी बैक। ये तो हीरो ब्रैंक का ही साइन होता है आई गेस, जहां तक मुझे पता है। आई गेस हीरो ब्रैंक तो नहीं देगा मेरे को, ये मिथ फेक है। वेट, मेरे पर लाइटनिंग क्यों गिर रही है, नो नो मैं यहां से पहले निकलूं, व्हाट, नहीं मैं मर गया। जो हमारा नेक्स्ट रिचुअल है उसकी मदद से हम एक ऐसे एंटिटी को स्पॉन कर सकते हैं जिसको आज तक आपने कभी माइनक्राफ्ट में नहीं देखा होगा, बस आपको एक रेडस्टोन टॉर्च लगाना है, और लो आपने उसको अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आने का एक्सेस दे दिया। ओके फटाफट वर्ल्ड का नाम देते हैं ब्लडी एंटिटी 303। सीड हमें ये डालना है जिसको आप कॉपी कर सकते हो वैसे अगर समझ में आ जाए तो। तो चलो फटाफट आ गया मैं उस वर्ल्ड के अंदर, अब मुझे फटाफट वो रिचुअल करनी है। वैसे वर्ल्ड बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, तो मैं काम करता हूँ, पहले तो टाइम को सेट कर देता हूँ मिडनाइट, ये मिडनाइट में काम करता है। ओके नाइट हो गई, और लाइटनिंग देख रहे हो बिल्कुल कम है, तो मेरे को फटाफट वो सामान ले लेना है जिससे मैं रिचुअल कर पाऊँ। ओके फटाफट ले लेते हैं। ऑल राइट, तो मैंने सारा सामान ले लिया, अब चलो फटाफट रिचुअल करना स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ इस टाइप से पहले तो एक क्रॉस बनाना है, ऑल राइट, एंड यहाँ पर रेड स्टोन कुछ इस टाइप से लगाना है, सिर्फ एक रेड स्टोन टॉर्च लगाना है मुझे, और रिचुअल कंप्लीट। वेट, वो एंटिटी 303, वो ब्लडी वाला, वेट कहाँ गया यार, एक सेकेंड, नो वे बाय, मुझे उसको पकड़ना था यहाँ पे, रुको पहले मेरे को एक क्रॉस को तोड़ने दो, पहले यहाँ का सारा सामान तोड़ने दो, नहीं तो वो मेरे पीसी पर भाई हावी पड़ जाएगा और पीसी हैक कर लेगा। नो वेट, अब चलो फाइनली, नो व्हाट, ये क्रॉस वापस कैसे आया, ओ माय गॉड, एक सेकेंड मेरे को उसको फटाफट तोड़ना पड़ेगा दोबारा। नो वेट, अरे यार ये तो अब टूट रहा ही नहीं है, ये वापस रीजनरेट हो जा रहा है क्रॉस। नो वेट, अरे यार नो, ये इस एंटिटी ने मेरे पीसी पर हैक कर लिया, मेरे पीसी को हैक कर लिया यार, रुको वेट, कहाँ है ये, ओ व्हाट, यहाँ पे लाइटनिंग रही, आई गेस यहाँ पर है ये, कहाँ चला गया, एक मिनट दिख जा, वेट वो रहा, नो अटैक कर दिया, ओ ये तो भाई कैक्टस था, वेट गायब हो गया वो, व्हाट कहाँ गया, ओ ये रहा, रुको दूर थोड़ा चलो, व्हाट अब ये मेरा आसपास, व्हाट ये कहाँ गया, मैं एक सेकेंड, ये किस जगह पे हूँ मैं, इसने कहाँ फंसा दिया, ओ वेट ये क्या कर रहा है मेरे साथ, नो व्हाट, ओ माय, ये क्या था। जो हमारा अगला मिथ है वो है ब्लड गोलम के ऊपर। यस, अगर आप माइनक्राफ्ट में एक विलेजर के अंदर सारे विलेजर्स को मार देते हो तो ये ब्लड गोलम आपके सामने स्पॉन हो जाएगा
और ये ब्लड गोलम के पास इतनी ज्यादा पावर्स है, ये एक शॉट में किसी को भी मार सकता है। और विलेजरों को मारना इसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये एक ब्लडी गोलम है। बट क्या ये माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करता है? चलो ट्राई करते हैं। तो फटाफट मेरे को ब्लड गोलम नाम दे देता हूँ वर्ल्ड को, और मुझे अपना वर्ल्ड हार्डकोर में सेट करना पड़ेगा। चलो नाइस, और मुझे ब्लड डॉट xex सीड डालनी है। चलो वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। ऑलराइट, मैं वर्ल्ड के अंदर आ गया और मेरे स्पॉन पे ही भाई एक विलेज है, इससे बढ़िया हो ही क्या सकता है। बट मैं हार्डकोर वर्ल्ड में हूँ। क्या तूने मिस्टर अल्फा 13 को सब्सक्राइब कर रखा है? यस, और लाइक करी है अभी तक वीडियो तुमने? यस, तो यार कर दो यार, इन्होंने भी कर दी। बट मैं हार्डकोर में क्रिएटिव यूज नहीं कर सकता, तो मुझे मरना होगा। ओके, मैं मर गया। अब मैं स्पेक्टेटर वर्ल्ड कर सकता हूँ लेकिन क्रिएटिव यूज नहीं कर सकता। बट मैं ओपन लेन की मदद से क्रिएटिव यूज कर सकता हूँ हार्डकोर के अंदर। लेट मी ट्राई। यस, मैं हार्डकोर के अंदर क्रिएटिव मोड यूज कर पा रहा हूँ। नाइस, तो मुझे एक चाहिए एक स्वॉर्ड जो कि काफी खतरनाक होने वाली। इससे तो एक बार में विलेजर को मैं मार दूंगा। तो चलो अब विलेजरों को मारना स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैं बाद में वापस वर्ल्ड को ज्वाइन करूंगा तो ब्लड गोलम स्पॉन हो जाएगा। तो काम पे लगते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सभी विलेजरों को मार दिया। अब मुझे इस वर्ल्ड से क्विट होना है, और जैसे वर्ल्ड में ज्वाइन होऊंगा ब्लड गोलम मिलेगा। तो चलो वर्ल्ड को क्विट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या हमें ब्लड गोलम देखने को मिलेगा कि नहीं। अब तो वो पता हमें रात में ही चलने वाला है। ओके, मैंने दोबारा गेम को ज्वाइन करा है। ऑलमोस्ट रात हो रही है वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वेट अ सेकेंड, इस वर्ल्ड के अंदर ब्लड मून भी आ गया। ये तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, बट ये मेरे लिए नॉर्मल चीज़ हो गई आजकल माइनक्राफ्ट हॉरर वीडियो में। और यहाँ पर कोई भी विलेजर स्पॉन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सारे विलेजरों को मार दिया है। तो इन विलेजर तो स्पॉन होने के चांस ही नहीं है। आई गेस मेरे को अब थोड़ा बहुत इधर ही घूम कर ट्रैवलिंग करते हैं, देखते हैं। वेट, व्हाट, विलेजर एक रह गया? नो वे, मैंने सारे विलेजरों को मार दिया था। वेट, व्हाट, दो विलेजर? नो, मैंने सभी विलेजरों को सही से। वेट, एक और विलेजर, लेकिन वो उस तरफ मुंह क्यों करके बैठा हुआ है? वेट, नो वे, क्या वो कोई एंटिटी है? वेट अ सेकेंड, ओ नो, वेट, अबे ये तो विलेजर है। अबे खाली में डर गया। वेट, अबे इस गारन गोलम में थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है मुझे। वेट, अबे वेट वेट, अब इसको क्या हो रहा है? नो, व्हाट, अपने आप मर गया ये आयरन गोलम। नो, ये क्या हो रहा है? वेट, व्हाट, ये ब्लड गोलम बन गया। नो 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 नो, ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो गई, ब्लड गोलम बन गया ये। ओ नो, ओ वे बड़ा भी हो गया। व्हाट, ये अब मेरे आसपास आ रहा है। रुको एक मिनट, ये मेरे पीछे आ रहा है, मेरे पीछे आ रहा है। नो 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 नो, मेरे को भागना पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा। वेट अ वेट अ वेट अ सेकेंड, अरे मेरे पीछे आ रहा है। अरे निकलो 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 यार, मुझे किसी घर के अंदर जाना पड़ेगा पहले तो। रुको 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 रुको, यहाँ से फटाफट निकलते हैं। ओह, सामने घर है, चलो इस घर के अंदर फटाफट घुस जाते हैं। ओके, आई एम सेफ। नो भाई, मैं बच गया, अभी ये मेरे को मार देता। भाई ब्लड गोलम है, ब्लड गोलम है इस वर्ल्ड में। वेट, ये रहा मेरे सामने ब्लड गोलम, और ये कर क्या रहा है वैसे? वेट, ये विलेजरों के पास जा रहा है और विलेजरों को मार रहा है। व्हाट भाई, इनकी रक्षा करता है। वेट अ सेकेंड, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा पहले तो आराम से। ओ नो, ये मेरे को देख लेगा तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, मुझे पूरा गारंटी है। एक मिनट, पीछे रहो, यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। ओके, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। ओके, इसने मेरे को देखा नहीं, आई गेस इसने मेरे को देख लिया। क्या देख लिया इसने मेरे को? देख लिया, भागो भाई। नो भाई, मैं मरने वाला हूँ, मेरे को किसी घर के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, मैं घर के अंदर घुस गया, आई एम सेफ। ओ भाई, मैं बच गया। रुको रुको, मैं घर के अंदर वापस चलता हूँ। ओके, अब मैं सेफ हूँ भाई, घर के अंदर मैं सेफ हूँ। ये घर के अंदर तो आ ही नहीं सकता यार ये आयरन गोलम, ये बढ़िया बात है। वेट, नो, ये ब्लॉक तोड़ रहा है क्या? नो 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 नो, ये गलत बात है। व्हाट, ये ब्लॉक तोड़ के अंदर आ रहा है? नो नो नो, प्लीज प्लीज ब्लड गोलम छोड़ दे, मुझे छोड़ दे भाई, नहीं छोड़ दे, नहीं नहीं। व्हाट, ये क्या है? जो हमारी अगली मिथ है वो नल के ऊपर है। नल के बारे में आप सब जानते होंगे, इसके पास है डार्क पावर।
लिटरली इसके पास ऐसी ऐसी डार्क पावर है जिससे ये हीरो ब्रैन को भी बहुत आराम से टक्कर दे सकता है। बट क्या नल माइंड कब में एग्जिस्ट करता है? चलो इस मिथ को ट्राई करते हैं हम अपने माइंड कब वर्ल्ड में, और इसकी सीट को भी ट्राई करते हैं। ओके, तो फटाफट मेरे को डालना है नो एस्केप वर्ल्ड का नेम, और सीट में डालना है नल का उल्टा LNUN। ओके ओके, मैं वर्ल्ड के अंदर आ गया और मेरा लक आजकल कितना बढ़िया चल रहा है। मुझे एक और विलेज मिल गया बहुत जल्दी। वेट, यहाँ कहीं तो कुछ नहीं है। मैं वैसे हार्डकोर में हूँ, मैं बताना भूल गया, ये मैं वर्ल्ड हार्डकोर में खेल रहा हूँ। ओके वेट अ सेकेंड, यहाँ पर कोई भी विलेजर नहीं है। व्हाट, एक सेकेंड, ये विलेज मेरे को अबेंडेंट क्यों लग रहा है? अजीब सा है थोड़ा ये विलेज, आई डोंट नो। एक सेकेंड, ये काफ़ी थोड़ा अजीब सा हो रहा है क्योंकि ये विलेज अबेंडेंट है। यहाँ पर वेट, अपने आप रात हो गई। नो वे, ये तो चलो भाई नॉर्मल होता है, मैं बेड पे जाके सो जाता हूँ फटाफट, क्योंकि अब वेट अ सेकेंड, मैं बाहर जाके सोऊंगा। यहाँ पर आराम से सोते हैं, कुछ भी होगा मेरे को पता चल जाएगा। वेट, व्हाट व्हाट, ये ब्लैक पावर कहाँ से आई? वेट वेट वेट, नो नो, मैं कहाँ हूँ? वेट, मैं मर गया। नो वे, वेट द सेकेंड, ये क्या है भाई? यहाँ पर इतने सारे ब्लैक ब्लॉक, वेट ये ब्लॉक नहीं है बल्कि एक वॉइड है। नो वेट, मैं इसके अंदर धस रहा हूँ, ये देखो। ओके, ये टूट भी रहा है अपने आप। ये कौन कर रहा है? एक सेकेंड, मुझे देखना पड़ेगा। ओह, दिन हो गई, नाइस। अब पता चल, वेट नल, वो भी मेरे सामने, वो भी इतनी जल्दी मिल गया। अबे अबे अबे, 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 ये कहाँ लेके जा रहा है? नो 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 नो, ये अपनी पावर यूज कर रहा है मेरे ऊपर, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। बट यकीन नहीं हो रहा मेरे को, नल इतनी जल्दी मिल गया। ओह नो, ये मेरे पास आ रहा है, एक मिनट मेरे को दूर रहना पड़ेगा। नहीं, फिर दोबारा इसने वॉइड में मेरे को ट्रैप कर रहा है। मैं यहाँ से निकलता हूँ पहले फटाफट। ओके, मैं बच गया, नल मेरे पीछे ही है, मैं बच जाऊँ, बस यहाँ से निकल जाऊँ फटाफट, निकल जा। व्हाट, अरे मैं अब एंड सिटी के अंदर कैसे आ गया? व्हाट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ हो रही है। मैं एंड सिटी के अंदर हूँ और एंड ड्रैगन नहीं है। ये एंड सिटी भी बिल्कुल भाई अबेंडेंट है। वेट, सामने ही हमें नल दिख गया। वेट अ सेकंड, वेलकम टू माय वर्ल्ड। ओके नाउ यो डाई। वेट, नो 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 नो, वेट, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। व्हाट, मैं गायब। ओह, ये क्या है? नो व्हाट, इसने मेरे को मार दिया। और अब हम ट्राई करने वाले हैं द मोस्ट पॉपुलर एंटिटी होगा लाला। यस, इसका मिथ आज हम ट्राई करने वाले माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर। क्या माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में होगा लाला एग्जिस्ट करता है? क्या ये किसी सीड में एग्जिस्ट करता है? और क्या ये इतना ज्यादा ताकतवर है जितना हमें हीमलैंड सीरीज में दिखाया जाता है? तो चलो देखते हैं। तो फटाफट वर्ल्ड का नाम देते हैं होगा लाला, एंड सीड हमें ये डालनी है जो आप देख रहे हो, आप भी ट्राई कर सकते हैं उसको। तो चलो वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। एंड मैं आ गया वर्ल्ड के अंदर, एंड वेट, मैं स्पॉन रात में हुआ। व्हाट, और ये कौन सा भाई? पहली बात, ये बायोम कौन सा है? ये तो मेरे को हीरो ब्रैन का बायोम लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं पे भी लीव्स नहीं है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर हीरो ब्रैन हो सकता है। वेट अ सेकेंड, व्हाट, वेट, ये क्या है? मुझे भाई पहले एहसास हो गया था यहाँ पे कुछ गिर रहा है। वेट, अबे ये क्या है? वेट, वो कौन है? होगा लाला, व्हाट, ओ नो, वेट अ सेकेंड, वो वहां से गायब हो गया। व्हाट, वे, मेरे आसपास कोई चल रहा है, मुझे एहसास हो रहा है। और ये कैसी आवाज है? व्हाट, मेरे आसपास कोई है, मेरे आसपास कोई है, मुझे दिख रहा है कोई मेरे आसपास है, बस वो इनविजिबल है। क्या वो हुला लाला है? क्या होगा लाला का भाई? वेट, मैंने किसी को हिट किया। वेट, नहीं होगा लाला, वेट, ओह नो, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, व्हाट, गायब हो गया वो, कहाँ गया? वेट मिनट, रुको यार, मुझे दिन करने दो। ओके, फाइनली दिन कर दिया मैंने। अभी तक मुझे होगा लाला नहीं दिखा, काफ़ी देर हो गई है। अब मेरे पास एक ही तरीका है, मुझे एक रिचुअल करना पड़ेगा होगा लाला को अपने सामने समन करने के लिए। ओके, फटाफट करते हैं। मुझे कुछ इस टाइप से रेडस्टोन लगाने हैं पहले, और यहाँ पर रेडस्टोन टॉर्च लगाना है। वैसे बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा होगा, लेकिन ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस जूक बॉक्स के अंदर मैं बजाने वाला माइनक्राफ्ट का मोस्ट स्कैरी डिस्क 11। चलो इसको फटाफट बजाते हैं। व्हाट, ये बच क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड, ओ चला गया। वेट अ सेकेंड, ओके होगा लाला किधर है? सामने आ मेरे, किधर है? वेट, ये रहा। व्हाट, ये क्या कर रहा है? वाओ वाओ, ये क्या कर दिया होगा लाला ने? अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। नो वे, नो, व्हाट,